वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पानी के लिए 3.5 गुना बढ़ा बजट, भोपाल गैस पीड़ितों को पेंशन देगी सरकार। खबर भोपाल से। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में पेश किया गया है। कुल 2,41,000 करोड़ रुपए का बजट है। सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। बजट से पहले वित्त मंत्री ने संकेत दिए हैं कि टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर एमपी के लिए पोर्टल का निर्माण किया गया है। एमपी में अब फीस जमा नहीं होने पर भी छात्र दे सकेंगे परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में निजी विद्यालयों में फीस का भुगतान न करने वाले को परेशान किए जाने के मामले सामने आने के बाद राज्य के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि फीस भुगतान न किए जाने पर परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री परमार ने के अनुसार अभिभावकों या छात्रों द्वारा फीस भुगतान न करने अथवा बकाया होने के आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा में भाग लेने से किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षक पुलिस भर्ती को लेकर बड़े ऐलान, जाने किस वर्ग को क्या मिला। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश का इंतजार खत्म हो गया है। आज 2 मार्च को विधानसभा में 11 बजे मात्र आम बजट पेश किया गया। इस बजट में किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के साथ साथ महिलाओं और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि सरकार इस बार नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं। इस बार मध्य प्रदेश का बजट 2,40,000 करोड़ रुपए का है। किसानों को सालाना मिलेगा 10,000 रुपए, जाने कृषि क्षेत्र को बजट में क्या मिला। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने चौथे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में हर वर्ग के साथ साथ किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 2021-22 के बजट में 35,353 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू, इनको मिलेगा लाभ। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश सरकार के बजट में एक बार फिर सीएम तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने के लिए प्रावधान किया गया है। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के तीर्थ स्थलों तक ट्रेन यात्रा कराने की यह योजना काफी लोकप्रिय हो गई थी। इस योजना में बुजुर्गों के साथ एक अटेंडर भी ले जाने की सहूलियत मिली थी। जल जीवन मिशन, 25,000 घरों की प्यास बुझेगी। खबर ग्वालियर से। घर के द्वार पर जल की धारा पहुंचेगी। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बजट में शहर के हर घर के द्वार पर जल धारा पहुंचाने के लिए पेयजल की सुविधाओं का विस्तार की बात रखी है, जिसमें उन्होंने नल जल योजना के लिए 5,962 करोड़ का बजट भी दिया। इस बजट से शहर वासियों की प्यास बुझाने की आस बढ़ चुकी है। एमपी में एमबीबीएस की सीटें बढ़ी, हर घर में नल से पहुंचेगा पानी। खबर भोपाल से। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एमपी विधानसभा में बजट पेश किया। इस बजट में आम लोगों को राहत तो नहीं मिली है, लेकिन सरकार ने बड़ी घोषणा की है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया। प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई है। इसके साथ ही 9 से 12वीं तक के छात्रों को फ्री परिवहन की सुरक्षा दी जाएगी। भोपाल में 10 करोड़ रुपए से पुलिस अस्पताल बनेगा, सर्व सुविधा युक्त 50 बिस्तर वाला होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस कर्मियों के लिए अलग से अस्पताल बनाया जाएगा। इसका निर्माण करीब 10 करोड़ रुपए से किया जाएगा। यह 23वीं या 25वीं बटालियन में बनाया जाएगा, जिसमें पुलिस कर्मियों का इलाज किया जाएगा। यह 50 बिस्तर वाला होगा। इसकी घोषणा करते वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि गृह विभाग में बजट भी करीब 7% बढ़ाया गया है। फिर से शुरू होगी शिवराज सरकार की यह बड़ी योजना, वित्त मंत्री ने बजट में किया ऐलान। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2021-22 के राज्य का बजट पेश कर दिया है।
शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल यह पहला बजट था। साथ ही राज्य का पेपरलेस बजट था, जिसे वित्त मंत्री ने टैबलेट द्वारा पेश किया। बजट में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की है। 11वीं-12वीं छात्रों को हर महीने मिलेगा 5 से 7 हजार रुपए। खबर नई दिल्ली से। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान से संबंधित छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार की ओर छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 11वीं-12वीं कक्षा और स्नातक कर रहे छात्रों को फेलोशिप दी जाती है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इस योजना का संचालन करती है। इस योजना को किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर लगे हैं शिविर, सम्मान निधि की समस्याएं हो रही दूर। पात्र होने के बाद भी पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि नहीं मिल पा रही है तो आपके लिए बड़ा अवसर है। मूल दस्तावेज को लेकर जाएं और त्रुटियों में सुधार कराएं। इसके लिए ब्लॉक स्तर राजकीय बीज गोदाम में शिविर का आयोजन हो रहा है। मंगलवार को सुबह से किसानों की भीड़ लगी हुई है, जिसका अलग अलग समस्याएँ हैं। अब किसान नेताओं के खिलाफ फूट रहा लोगों का गुस्सा, टिकट पर साधा निशाना। खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की दो सीमाएं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। इन धरना स्थलों के आसपास रहे लोगों इसके लिए किसान नेताओं को जिम्मेदार मान रहे और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। इससे पहले भी किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, हर गांव होगा रोशन। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को काफ़ी फायदा हो रहा है, क्योंकि बिजली देश की वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले से मौजूद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकरणीय योजना से सुविधाओं को DDUGJY की नई योजना में सम्मिलित किया गया है और RGGVY योजना की खर्च नहीं की गई राशि को इसमें ट्रांसफर कर दिया गया है। मुंबई में कुछ स्टेशनों पर 50 रुपये में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। मुंबई में ट्रेन की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक मुंबई में कुछ स्टेशनों पर अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये में मिला करेगा। जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म टिकट की नई कीमत 15 जून तक लागू रहेगी। गैस सिलेंडर हुआ 225 रुपए महंगा तो पेट्रोल 100 के पार, अपनाएं ये आसान तरीका, कम पड़ेगी महंगाई की मार। बीते एक महीने में गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि दिसंबर से अब तक आपका गैस 225 रुपए महंगा हो चुका है। तो वहीं पेट्रोल कीमत में कई राज्यों में 100 का आंकड़ा छू चुका है। CNG और PNG के दाम भी बढ़ चुके हैं, मतलब रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ों के दाम बढ़ने के चलते आम आदमी का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।